So, dear student, in this fourth part, so you learn about here Sikh community. The reforms of the 19th century also influenced the Sikh community. उस टाइम पे जो समाज में सुधार हो रहे थे, reforms हो रहे थे 19th century में, उससे Sikh community भी प्रभावित हो गई है. अच्छा, next यहाँ पे देखते हैं. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो थी, ओके, वॉज फॉर्म्ड विथ एन ऑब्जेक्टिव टू री ऑर्गेनाइज द रिलीजियस प्रैक्टिसेस. तो यहाँ पे एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक फॉर्म हुई है, बनी है, एक मकसद को लेके, क्या था, रीऑर्गेनाइज, फिर से उसको ठीक से रीऑर्गेनाइज कर सके द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो समाज के उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, जो धर्म के जो लोग पे अमल करते थे, उसको फिर से रीऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड रिमूव द इविल प्रैक्टिसेस फ्रॉम द गुरुद्वारा. में जो इविल प्रैक्टिसेस होते थे, जो खराब प्रथा होते थे गुरुद्वारा में, उसको हटाने के लिए, चेंज करने के लिए, टू इम्पार्ट इंग्लिश एजुकेशन अलॉन्ग विद द रिलीजियस एजुकेशन टू द सिक्स, और सिक्स के जो धर्म के लोग को अपने मज़हब की तालीम के साथ में इंग्लिश की तालीम को भी लेने के लिए इन्होंने एक मुहिम स्टार्ट किया. खालसा कॉलेज इन अमृतसर वर एस्टाब्लिश अलॉन्ग विद मेनी अदर स्कूल, बहुत सारे स्कूल्स के साथ में खालसा कॉलेज के नाम से भी अमृतसर में एक एस्टाब्लिश किया गया, निर्माण किया गया. तो ये हो गया सिख कम्युनिटी का. नेक्स्ट अभी हम देखते हैं पारसी कम्युनिटी. तो यहाँ पे हम देखते हैं दादा भाई नौरोजी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो. यहाँ पे और एक जो समाज का एक हिस्सा था, पारसी कम्युनिटी कह सकते, सो पारसी धर्म कह सकते. द पारसी यंगस्टर हु हैड एक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेशन एस्टाब्लिश्ड रहनुमा ए मजदायसनी सभा इन 1851 में. तो पारसी यंगस्टर, जो पारसी के जो नौजवान थे, हु हैड एक्वायर्ड, जिन्होंने इंग्लिश तालीम को हासिल किया है, एस्टाब्लिश, उन्होंने क्या एस्टाब्लिश किया है, रहनुमा ए मजदायसनी, रहनुमा ए मजदा इसने नाम से सभा को इस्टाब्लिश किया फॉर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. तो किस तरह के आंदोलन को, समाज और धर्म को चेंज करने के रिफॉर्म मूवमेंट, एंड दादा भाई नौरोजी वॉज द लीडर ऑफ दिस सभा. इस सभा के जो नेता थे, लीडर थे, वो दादा भाई नौरोजी थे. दिस सभा हैड स्टार्टेड पीरियडिकली, नेमली पीरियडिकल वाइज ये स्टार्ट होता था. क्या होता था, रास्ता गुफ्तार, इट गेव एन इम्पेटस टू द रिफॉर्म मूवमेंट्स, को एक वो सपोर्ट करते थे, एंड कैरिड आउट वर्क फॉर अवेकनिंग ऑफ द पारसीज, और पारसीज को जागना चाहिए, पारसीज को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे उन्होंने पारसीज को अपने जो कम्युनिटी को एडवाइस करते हुए आगे बढ़ते थे, एंड कैरिड आउट वर्क फॉर अवेकनिंग ऑफ द पारसीज. के आर कामा एंड बहराम जी मालबरी आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द सोशल रिफॉर्म, में इन्होंने भी योगदान लिया. कामा लेड एम्फसिस ऑन द, कामा ने इस पर जोर दिया है कि प्रोपोगेशन ऑफ एजुकेशन इन मलबारी, ओके, एम्फसाइज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट. तो ये दोनों ने दो के कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़े. दे अपोज चाइल्ड मैरिज, उन्होंने भी तिरस्कार किया, अपोज किया है बच्चों की शादी, जल्दी बच्चों की कम उम्र में शादी कर देना, उस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रथा थी, एंड एंकरेज विडो रीमैरिजेस, और इन्होंने भी एंकरेज किया, प्रोत्साहित किया विवाहों की फिर से शादी होना करना चाहिए, इस तरह से प्रोत्साहित किया. ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ मलबारी, जो मलबारी के जो मेहनत की वजह से, एफर्ट्स की वजह से, द गवर्नमेंट पास्ड द लॉ, उन्होंने गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक लॉ को, कानून को पास किया, फिक्सिंग द मिनिमम एज फॉर मैरिज इन 1891 में. मिनिमम इतनी उम्र होना चाहिए, आज भी हम देख सकते हैं लड़कियों की 18 होना चाहिए कम से कम, लड़के की 21 होना चाहिए, जो कानून आज प्रिवेलेंट है. तो उस वक्त पे हम कह सकते हैं कि इनके मेहनत के, इनके एफर्ट की वजह से ब्रिटिश ने एक कानून को पास किया है. कब पास किया है, 1891 में. ओके, नेक्स्ट ये हो गया. अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पर्सन, ज्योतिबा फुले. नेक्स्ट यहाँ पे इनके बारे में बताता हूँ आपको. ज्योतिबा फुले वॉज ए वेल नोन सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र. ये बड़े मशहूर थे, वेल नोन समाज सुधारक थे महाराष्ट्र के. ही स्टार्टेड स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे में, इन्होंने एक लड़कियों के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया इन 1857 CE में. ही हेल्प्ड द विडोज टू रीमैरी, और उन्होंने बेवाओं को मदद किया फिर से वो शादी कर सकते, उनको प्रोत्साहित किया उनकी. ही चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मिन्स इन द सोसाइटी, जो उस टाइम में ब्राह्मिन्स जो कास्ट होती थी वो, उनको उन्होंने चैलेंज दिया है कि आप समाज के अंदर में लोगों को
उतना दबदबा नहीं रख सकते, आपकी जो जितने भी आपके जो व्यूज है उसको थोप नहीं सकते। इस तरह से इन्होंने चैलेंज किया उनको, ब्राह्मिन्स को समाज में। ओके, ही चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मिन्स इन द सोसाइटी, ही एस्टैब्लिश द सत्याशोधक समाज। उन्होंने एक समाज के नाम से, सत्याशोधक समाज के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया है, इन ऑर्डर टू इंकलकेट कॉन्फिडेंस, भाई लोगों में एक कॉन्फिडेंट की, एक भरोसा, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर, एक आत्मविश्वास होना चाहिए वो डेवलप करने के लिए, करेज, हिम्मत और एंथुसियाज्म इन द पीपल, लोगों में एंथुसियाज्म होना चाहिए। तो ये सारे एक्ट कॉन्सेप्ट लेके इन्होंने ये स्टार्ट किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमें विचारना चाहिए, सोचना चाहिए। यहाँ पे दिया है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन योर कम्युनिटी। अब हम देखते हैं, आज हम अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, तो हमारे कम्युनिटी में गर्ल्स का एजुकेशन कैसा है, कितना गर्ल्स एजुकेशन हासिल करती है। बहुत ज़रूरी है गर्ल्स को एजुकेशन हासिल करना, स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है, लड़कियों को पढ़ना चाहिए, ताकि लड़की भी एक समाज का बेहतरीन हिस्सा है, तो वो जब वो पढ़ेंगे तो वो अपने बच्चों को तालीम देकर अपने छोटे भाई बहन या आने वाली जब उनकी नस्ल को वो पढ़ाएंगे, तो एक बहुत ज़रूरी है, मतलब गर्ल्स को भी तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, व्हाट एक्टिविटीज़ वुड यू टेक अप टू प्रोमोट एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन द कम्युनिटी। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर सकोगे, आपके समाज की जो लड़कियां हैं उनको तालीम देना, तो आप किस तरह के आइडियाज़ को आप व्यक्त करोगे, आप किस तरह का करोगे, आपको एक छोटा सा आपको विचारना चाहिए, सोचना चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, ठाकर बापा के नाम से नेक्स्ट अनदर सोशल रिफॉर्मर इन 19th सेंचुरी। ठाकर बापा कंट्रीब्यूशन एज द हेड ऑफ द अखिल हिंद हरिजन संघ। तो इन्होंने ठाकर बापा कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने योगदान दिया किस में, एज द हेड ऑफ द, ओके ये हेड थे, प्रमुख थे ऑफ द अखिल, यानी पूरा एक अखिल मतलब पूरे हिंदुस्तान के, अखिल हिंद पूरे इंडिया के हरिजन संघ, जो हरिजन कहते थे एक समाज के पिछड़े जाति होते हैं, एस्टाब्लिश बाय गांधी जी। ये जो एस्टाब्लिश किया था गांधी जी ने, इसको एस्टाब्लिश किया अखिल हिंद हरिजन संघ ने, इसको इनके जरिए स्टार्ट किया गया। गांधी जी वॉज वेरी वैल्यूबल इन द अपलिपमेंट ऑफ द अनटचेबल्स हरिजन, इनको अनटचेबल्स कहते हैं, ओके अनटचेबल्स भी कह सकते हैं हरिजन्स को। सो ही वर्कड टायरलेसली टू प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज। इन्होंने बड़ी मेहनत मुशक्कत से इन्होंने रिलीफ प्रोवाइड करते थे, आराम, जो भी नेचुरल के कुदरती आफतें आती थी, नेचुरल कैलामिटीज़ कह सकते हैं उसको, उन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिक को वो सपोर्ट करते थे, अपना योगदान देते थे, हेल्प करते थे। अमृतलाल ठाकर पॉपुलरली नोन एज, इनका नाम एक्चुअली था अमृतलाल ठाकर, ये मशहूर हो गए ठाकर बापा के नाम से। वॉज बॉर्न इन 1869 में इनका जन्म हुआ इन द सिटी ऑफ भावनगर गुजरात में। ही रिमेंड ए ड्यूटीफुल एंड डिवोटेड सर्वेंट ऑफ द पीपल थ्रू आउट हिज लाइफ। पूरी उनकी ज़िंदगी में लोगों की सेवा की है, दिल से उन्होंने सेवा की है। ही वॉज एन इंजीनियर हु लेफ्ट हिज लिक्रेटिव जॉब। वो एक खुद पेशे से, ऑक्यूपेशन से वो इंजीनियर थे, लेकिन उनकी लुक्रेटिव जॉब थी, जो महंगी जॉब, जो अच्छी सैलरी, लाख दो लाख सैलरी होती हुआ करती, अच्छे इंजीनियर थे, तो उसको उन्होंने त्याग करके, और तो उन्होंने थाम दिया कि टू सर्व, हम सेवा करेंगे द डाउन ट्रेडन एंड मार्जिनलाइज पीपल। आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय गांधी जी से मुतासिर होकर, उन्होंने डाउन ट्रेडन जो गरीब के पिछड़े लोग, समाज के जो गरीब लोग की सेवा करने में वो थाम लिया, और अपनी लुक्रेटिव जॉब छोड़ के वो आगे बढ़ने लगे। नेक्स्ट, ठाकर बापा एस्टाब्लिश द पंचमहल भील सेवा मंडल, उन्होंने स्टाब्लिश किया। ओके, ठाकर बापा क्या स्टार्ट किए, पंचमहल भील सेवा मंडल के नाम से स्टार्ट किया, एंड ट्राई टू रिफॉर्म द लाइफ्स ऑफ द भील। तो उस पंचमहल में जितने भी भील थे, पिछड़े जाति थे, आदिवासी थे, उनको डेवलप करने में उन्होंने इस तरह की एक संस्था स्टार्ट किया। हु इनहैबिटेड द डीप फॉरेस्ट, वो घने जंगलों में रहते थे, एंड हिली एरियाज ऑफ द पंचमहल रीजन जो था वहाँ पे, वहाँ के लोगों की जो तकलीफ थे, जहाँ सारे प्रॉब्लम्स, उसको दूर करने में, उनकी हेल्प करने में वो काफ़ी उनका योगदान दिए। ठाकर बापा एंड हिज फॉलोअर्स फ्रीड द भील फ्रॉम द एडिक्शन ऑफ अल्कोहल। जो भीड़ के समाज में एक खराब आदत थी अल्कोहल, शराब को लेने की, उससे मुक्त करने में कई एक्टिविटीज़ को अंजाम दिए। एंड अदर इविल कस्टम्स और सुपरस्टिशन, और अलग इविल जो समाज की बुराइयाँ थी, सुपरस्टिशन थे, अंधविश्वास थे उनके समाज में, उसको भी दूर करने में उनका काफ़ी योगदान था। ही ओपन स्कूल फॉर द भील चिल्ड्रन के लिए स्कूल्स एस्टैब्लिश किए। ही टॉट देम हाउ टू ऑपरेट ए स्पिनिंग व्हील, उस टाइम में स्पिनिंग कपड़े किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए, टू प्रोड्यूस खादी एंड इन्वॉल्व देम इन स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री। उनके लोगों को समाज में ला के एक अंधेरे से निकाल के उनको नई रोशनी दे के उनकी पीपल को डेवलप किया, तो इनका काफ़ी योगदान था तो इस एरिया में। नेक्स्ट,
एज टाइम पास्ड अवेकनिंग एंड नेशनलिज्म स्प्रेड अमॉन्ग पीपल, तो जैसा वक्त गुजरते गया लोगों में एक नई रोशनी, नई उम्मीद, नई किरण जागने लगी। नेशनलिज्म, एक जातीयता, एक हमारा देश, उसकी भावना लोगों में उत्पन्न होने लगी हिंदुस्तान में, स्प्रेड अमॉन्ग पीपल विच कनेक्टेड देम बेटर विद द फ्रीडम मूवमेंट। इससे लोग जो फ्रीडम मूवमेंट थी, जब हिंदुस्तान में देश को आज़ाद करने की जो वो अंदर में एंथुजियाज्म था, ये सारे जितने भी समाज सुधारक थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, इनका काफ़ी योगदान था। इनके ये लोग ने पब्लिक को एडवोकेट किया, पब्लिक इनसे मुतासिर हुई है, पब्लिक इनसे इंस्पायर्ड हुए, तो इससे एक देश का उस वक्त में जो फ्रीडम मूवमेंट था उस बड़ी मजबूती और पुख्तगी से इसको काफ़ी इनसे बेनिफिट्स हुआ, हमें कह सकते। ओके, नेक्स्ट, एज द टाइम पास्ड अवेकनिंग इन नेशनलिज्म स्प्रेड अमॉन्ग पीपल विच कनेक्टेड them better with the freedom movement. Gandhiji emphasizes upon the removal of the untouchability, improved the condition of people from the backward classes. तो गांधी जी ने जोर दिया, एम्फोसाइज किया, जोर दिया किस पे? अपॉन द रिमूवल ऑफ द अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत प्रथा है, खराब प्रथा, उसको रिमूव करना चाहिए समाज से। इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल, लोगों की जिंदगी में एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, पिछड़ी जाति के एंड द बैकवर्ड क्लासेस, जितने भी समाज के पिछड़ी जाति है वो उनको हेल्प करना चाहिए, उनको वो आगे आना चाहिए, इनका इस तरह का वो लोगों ने जोर दिया गांधी जी ने। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आप इसको ठीक से पढ़िए, अपने टेक्स्ट बुक में बेहतर समझिए और इसको अपने अंदाज में, काफ़ी आपके पास समय है ये वक्त में, इसका काफ़ी इसका फ़ायदा उठाइए। आपके पास काफ़ी वक्त, अभी स्कूल भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए क्लासेस को। और नेक्स्ट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट और गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अच्छा सा ये समय का उपयोग कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। थैंक यू।